फ्रेंड, हमने अपनी फर्स्ट और सेकंड क्लास में लेसन सेकंड ज्योग्राफी से रिलेटेड एसएसटी का क्लास 8th का स्टडी किया था। हम अपनी थर्ड क्लास में लेसन सेकंड का ही रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्रॉप रोटेशन। इट मीन्स हमने 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 अपनी सेकंड क्लास में ये स्टडी किया था कि जो सॉइल को कंजर्व किस तरीके से किया जाता है, सॉइल सॉइल की फर्टिलिटी को किस तरीके से बचाया जाता है। अब हम अपने उसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्रॉप रोटेशन। हम क्रॉप रोटेशन करके भी सॉइल को सॉइल की फर्टिलिटी को बचा सकते हैं। क्रॉप रोटेशन कैसा होता है कि एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को लगाना, इट मीन्स क्रॉप को रोटेट करना, एक ही क्रॉप को लगातार ना लगा के एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप को लगाना। सबसे फर्स्ट पॉइंट है लेग्यूमिनियस क्रॉप्स। लेग्यूमिनियस क्रॉप का मतलब होता है जो फलीदार क्रॉप्स होती हैं उन्हें लेग्यूमिनियस क्रॉप्स कहते हैं। जैसे लेग्यूमिनियस क्रॉप्स के एग्जांपल हैं बेटा, बीन्स होता है, पीज होते हैं, मटर होते हैं, ये सारे हमारे लेग्यूमिनियस क्रॉप्स होती हैं। लेग्यूमिनियस क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं बीन्स, जो पीज होते हैं वो लेग्यूमिनियस क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं। इनको ग्रो करके भी सॉइल रोटेशन में हम लेग्यूमिनियस क्रॉप को ग्रो करके क्रॉप को रोटेट करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को रिटेन कर सकते हैं। रिटेन मतलब सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वाटर। वाटर का सबसे फर्स्ट पॉइंट हम सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं, एक बार क्रॉप रोटेशन का एक बार दोबारा से स्टडी कर लेते हैं। क्रॉप रोटेशन, लेग्यूमिनियस क्रॉप को हम लगा के, इट मीन्स जब हम क्रॉप रोटेशन करते हैं, हम एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप लगाते हैं, तो हमें क्रॉप रोटेशन में लेग्यूमिनियस क्रॉप का यूज़ करना चाहिए। लेग्यूमिनियस क्रॉप का मतलब होता है, एग्जांपल होते हैं जैसे बीन्स, और नेक्स्ट है हमारा पीस, ये लेग्यूमिनियस क्रॉप के एग्जाम्पल है। अगर हम लेग्यूमिनियस क्रॉप लगाएंगे तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी रिटेन रहेगी, इट मीन्स बची रहेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है वाटर। स्टूडेंट्स, अर्थ को हम एक यूनिक प्लैनेट कहते हैं। हम ब्लू प्लैनेट पे अर्थ को कहते हैं और वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ में सबसे ज़्यादा वाटर होता है। नेक्स्ट सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट एंड ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट एंड वाटरी प्लैनेट। अर्थ को हम यूनिक प्लैनेट कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ पे सबसे ज़्यादा वाटर होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ हाईली अनइवन। 97% वाटर अर्थ पे होता है और जो ओशनिक एरिया से और सी एरिया से आता है। 1% वाटर फ्रेश वाटर होता है अर्थ पे, 1% वाटर फ्रेश वाटर होता है। नेक्स्ट है हमारा जो हमें वाटर अर्थ पे टू फॉर्म्स में मिलता है। सबसे पहली फॉर्म है सरफेस वाटर, सेकंड फॉर्म है ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में हमारे एग्जांपल आ जाते हैं रिवर्स और स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, अलग अलग धाराएं होती हैं, उन्हें स्ट्रीम्स कहते हैं। इट मीन्स हमें वाटर टू फॉर्म्स में मिलता है, रिवर्स और स्ट्रीम। सबसे पहले सरफेस वाटर में एग्जांपल है रिवर्स और स्ट्रीम, फिर ग्राउंड वाटर। सीपेज ऑफ रेन वाटर, इट मीन्स सीपेज का मतलब होता है रिसना। जब रेन वाटर लगातार रिसते रिसते ग्राउंड में चला जाता है, ग्राउंड के इंटरनल पार्ट में चला जाता है और ग्राउंड वाटर बनता है। इट मीन्स ग्राउंड वाटर के एग्जाम्पल है जैसे वेल्स और जो ट्यूबवेल्स होते हैं, ये सब ग्राउंड वाटर के एग्जाम्पल होते हैं। अब हमारा आ जाता है इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ वाटर लैकनेस। स्कैर्सिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स लैकनेस, कि पानी की कमी के क्या क्या रीज़न होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओवर पॉपुलेशन। जरूरत से ज़्यादा जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे भी पानी की कमी हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी जब मशीनें आती हैं और मशीनों का काम, जब हाथ का काम मशीनों के थ्रू किया जाने लगता है तो लोग गांवों से शहर की तरफ जाते हैं। इट मीन्स रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है बड़ी बड़ी मशीनों का आना। जब बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं तो टेक्निकल डेवलपमेंट होता है और टेक्निकल डेवलपमेंट से ही अर्बनाइजेशन का भी इंक्रीजमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नीड्स ऑफ द मॉडर्न स्टाइल लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। लोगों की मॉडर्न लाइफस्टाइल बन गई है, इस तरीके से वो वाटर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। फिर है ग्रेटर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडस्ट्री। सम कंट्री फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज। एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ वाटर प्रॉब्लम की फेस जो प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, वेस्टर्न यूएसए है,
इन ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है 2025 में 2 बिलियंस पीपल्स थे जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। 2025 में 2 बिलियंस पीपल वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है होल वर्ल्ड में बेटा मेजर स्टेप्स टेकन टू कंजर्व वाटर। वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को हम यूज़ में ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रीटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। ये हम मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसलिए क्यों? क्योंकि इसे प्रॉपर वे में प्यूरीफाई करने के बाद ही फ्लो करना चाहिए, वाटर में बहाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है एक्सेसिव रेन वाटर शुड बी स्टोर। जब पानी की कमी होती है तो उससे पहले जो रेनी सीज़न आता है जब, तो रेनी सीज़न आने के कारण जब बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है तो उस रेन वाटर को हमें क्या करना चाहिए, इकट्ठा कर लेना चाहिए, स्टोर कर लेना चाहिए। तो उससे भी हम वाटर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का मतलब है वाटर को बार बार प्यूरीफाई करके हमें वाटर का यूज़ लेना चाहिए। फिर है यूजिंग ऑफ स्प्रिंकलर्स एंड द ड्रिप इरीगेशन। स्प्रिंकलर्स इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन का मतलब होता है जैसे फाउंटेन्स होते हैं, फाउंटेन से हमें इरीगेशन करना चाहिए, फाउंटेन से इरीगेशन करना चाहिए। स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरीगेशन का मतलब होता है फाउंटेन बेस पे, जो फाउंटेन्स होते हैं फाउंटेन्स बेस पे हमें इरीगेशन करना चाहिए, इट मीन्स सॉइल को इरीगेट करना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ की इम्पॉर्टेंट क्या है पीपल्स को रहने के लिए और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ की नीड होती है। स्टूडेंट्स मैं अपना ये वीडियो, थर्ड वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ, इट मीन्स फोर्थ क्लास में अपनी यहीं फिनिश करती हूँ, ओवर करती हूँ। मैं अपनी स्टूडेंट्स ये हमारी फोर्थ क्लास नहीं, ये हमारी थर्ड क्लास है। मैं अपनी थर्ड क्लास यहीं फिनिश करती हूँ। अपनी फोर्थ क्लास में मैं आपको रेस्ट क्लास में ये पार्ट स्टडी करूँगी। सेकेंड लेसन है क्लास एट्थ का SST से रिलेटेड ज्योग्राफी का, मैं अपनी फोर्थ क्लास में रेस्ट क्लास में स्टडी करूँगी। ये हमारी थर्ड क्लास है, बाय मिस्टेक मैंने आपको फोर्थ क्लास बता दिया है, लेकिन ये हमारी थर्ड क्लास है। नेक्स्ट फोर्थ क्लास में मैं आपको लेसन सेकंड SST का ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लास एट्थ का स्टडी करूँगी।